मेरा नाम सपना वर्मा है और मैं इस संस्था में सामाजिक कार्य में कम से कम 6-7 साल हो गए काम करते हुए। ये है कि हमको जो प्रेरणा मिलती है, पहले तो हमारी खुद की है कि जैसे हमारी कम उम्र पे शादी हो गई थी, हमारे 16 साल पे हमारी शादी हो गई थी। तो जैसे हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जिन लड़कियों की कम एज में उनकी शादी हो जाती है, तो कैसे उनको कुछ पता नहीं रहता है कि परिवार नियोजन क्या है, उसके मेथड क्या हैं। तो उनसे हम लोग बात करते हैं कि उनको जानकारी देते हैं कि अगर चलिए शादी हो गई है किसी कारण से, तो फिर वो अपना मतलब जीवन वैसे ना व्यर्थ करें कि हाँ जल्दी जल्दी बच्चे हों, फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो और फिर बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति आ जाए। तो हम लोग फील्ड में जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जैसे हम किसी महिला से बात करते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर, तो वो सीधे कह देती है कि हमारे पति जाने, वो सुनने को नहीं तैयार होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है कि हम उसके परिवार की जैसे सास हैं या और उनके पति हैं, उनको भी बताते हैं कि ये साधन है और जैसे कंडोम है, गोली है या कॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल करने से आप अपने मन चाहे मतलब समय में बच्चा पैदा करेंगे। बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो भी ये मेथड इस्तेमाल करती हैं। मालादी गोली खाएं जौन है बस हम कहन के जौन है, अब हमारे एक लड़की एक लड़का है, अब अपने शरीर का को ध्यान दिए चाहिए। और आज की डेट में आज जो देखा जाए हमारे 21 ग्राम पंचायतों में कम से कम इनको 250-300 महिलाएं जिनको उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर के यूज करना, आज महिलाएं खुल करके जो एक टाइम था महिलाएं कंडोम या पिल्स को मांगने में शर्म करती थी, आज वो महिलाएं इनके अवेयरनेस से खुल करके मांग रही हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं परिवार नियोजन के साधन अपना रही हूँ, मुझे और फैमिली नहीं चाहिए। 3 बच्चे हैं, अब हमको बच्चे नहीं चाहिए, 14 साल की लड़की हो गई, हमको बच्चे नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं सकते तो कम आमदनी में खसेगा, खर्चा क्यों फालतू बढ़ाएं करें। और विगत 1 साल से हम लोग इस मुद्दे पर जुड़े हैं, तो एक तो उपलब्धि ये रही कि हमारे अपने लिए भी एक परिवार नियोजन की एक समझ अच्छी बनी, और साथ साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं जो हम 30 संस्थाओं के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उन तक परिवार नियोजन की एक बेहतर समझ को हम लोग पहुँचा पाए। तो लोगों का क्योंकि एक मिसकंसेप्शन था कि परिवार नियोजन मतलब नसबंदी होता है, परिवार नियोजन मतलब अपना परिवार बंद कर लो, तो ये संस्थाओं की भी धारणा थी और ये कहीं ना कहीं समुदाय स्तर पे भी यही धारणा लोगों की रही है। तो हम इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर बढ़े हैं कि अब संस्थाएँ जो हैं परिवार नियोजन के महत्व को समझ पाई हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाई हैं, तो एक ही बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही। जो हमारी बात से प्रभावित होकर इसमें कम से कम 10-12 महिलाएं हैं जिन्होंने नसबंदी करवाया है, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे यहाँ कैंप लगता है तो वहाँ से कंडोम ले जाती हैं, गोली ले जाती हैं, और आप अगर इस्तेमाल करती हैं कंडोम या गोली तो फिर आपको VHND के दिन आशा आंगनबाड़ी से मिलेगा, तो वो वहाँ भी जाके उनसे भी लेती हैं।